गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनियाज मॉम वर्ल्ड। यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह के 8 बज चुके हैं और आज है थर्सडे। और बस अभी मैं जो है पापा के लिए सिर्फ रोटी बनाई है, सिर्फ अभी और कुछ भी काम नहीं हुआ है। सुबह सुबह ठंडी में काम करने की भी इच्छा नहीं हो रही, और आज मुझे जो है किचन की सफाई भी करनी है। तो बस देखिए, आ गई हूँ मैं अपनी किचन में, और अभी फैला फैला सब कुछ लग रहा होगा क्योंकि यहाँ सफाई वफाई करनी है। और अभी सुबह नाश्ता बनाया था तो यहाँ पे मैंने पोछा भी नहीं है कुछ, तो इसलिए गंदा सा लग रहा होगा। तो बस अभी मैं जो है सारे बर्तन निकाल लेती हूँ किचन के, मतलब किचन को जो है खाली करूँगी, उसके बाद सारी सफाई करनी है। तो बर्तन और डलिया वलिया, मतलब जितना भी सामान है जो किचन का, वो सारा जल्दी जल्दी से जो है बाहर निकाल के रख लेती हूँ। क्योंकि लास्ट टाइम मेरी जो सफाई हुई थी वो दिवाली के टाइम पे हुई थी, जब पूरे घर की सफाई करी थी तब मैंने किचन की की थी। उसके बाद से अभी काफ़ी टाइम हो चुका है, तो बस सोचा चलो आज जो है पूरा, क्योंकि फैल भी जाता है, बच्चे भी रहते हैं साथ में, हम लोगों से ही फैल जाता है। तो बस वही सोचा मैंने चलो कि आज किचन की सफाई कर लेती हूँ। लेकिन आज सुबह से ही मौसम देखिए बाहर कितना ठंडा हो रखा है, जिस दिन कुछ सोचो उसी दिन ऐसा होता है। बट कोई बात नहीं, इतनी ज़्यादा भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंडी हो, और काम करते करते ऑटोमेटिक जो है काफ़ी गर्म भी लगने लग जाता है। तो बस जल्दी जल्दी सारे बर्तन रख देती हूँ, उसके बाद आगे की और सफाई करनी है। बाद जो एक साइड के बर्तन तो मैंने सारे निकाल दिए हैं, अब यहाँ पे जो रात को मैंने बर्तन धुल के रखे थे वो भी मैं सारे बर्तन वगैरह जो है सब बाहर निकाल के रख दूँगी। और बस उसके बाद जो है झाड़ू से देखिए मैं यहाँ पे साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि जाले वाले भी लग जाते हैं। वैसे तो जाले बीच बीच में मैं साफ़ करती ही रहती हूँ, बट फिर भी जल्दी जल्दी लग ही जाते हैं फिलहाल जाले। तो बस मैं कर रही थी साफ, तो मैंने कहा एक बार झाड़ू जो है ऊपर फेर ही देती हूँ यहाँ पे भी। तो बस उसके बाद यहाँ पे जो है बर्तन का स्टैंड है जो, उसको मैं साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें जो भी धूल मिट्टी वगैरह है वो देखिए कितना कचरा निकल रहा है, ये सारा जो है निकल जाए, क्योंकि फिर उसके बाद मुझे जो है किचन धोनी है। तो ये जो मोटा मोटा कचरा है इसको निकाल दे रही हूँ। और देखिए ये कोने वाली सेल में कितना ज़्यादा जो है कचरा, देखिए कितना सारा यहाँ से निकल रहा है, क्योंकि ये कॉर्नर पे है ना, तो यहाँ पे थोड़ा सीमेंट वगैरह जो है झड़ जाता है दीवारों से। तो बस उसके बाद यहाँ पे भी साफ़ कर लेते हैं। और जो है नीचे यहाँ पे देख रही होंगी आप लोग कलसा रखा हुआ है पानी का भरा हुआ, ये एक्चुअली भर के रख लेती हूँ मैं पानी, कभी इत्तेफाक से ऐसा होता है कभी पानी चला जाए बाई चांस, तो ये पानी साफ़ सुथरा भर के रख लेती हूँ। इसको मैं खाली करती रहती हूँ, बीच बीच में बर्तन बर्तन धोने के लिए यूज में आ जाता है बीच में, तो इसलिए मैं भर के रख लेती हूँ। ये भी खाली हो जाएगा आज कलसा भी। और यहाँ पे देखिए मैं जो है ऊपर इसको साफ़ कर लेती हूँ विम से, अच्छे से जो है मांज लेती हूँ। और इसको वैसे तो मैं कपड़े से पोछती रहती हूँ, जब मैं बर्तन बर्तन लगाती हूँ तो बीच बीच में पोछ लेती हूँ, बट इतनी अच्छी तरीके से नहीं साफ़ हो पाता ना, क्योंकि धूल मिट्टी जम जाती है और किचन है थोड़ा सा काला काला हो जाता है हर चीज़। तो बस उसके बाद ये दीवार की जो टाइल्स वगैरह है ये भी सब साफ़ कर लूँगी, सबको अच्छे से जो है धो लूँगी, और किचन तो धोनी ही है पूरी, इसलिए मैंने सोचा अच्छे से जो है सब साफ़ ही कर लिया जाए।
उसके बाद यहाँ पे मैं फ्रिज भी अपना साफ़ कर लेती हूँ। फ्रिज के जो बर्तन हैं वो मैंने सिंक में डाल दिए हैं, वो सारे मैं धो दूँगी। और ये देखिए दीवार की टाइल्स वगैरह है, ये भी सब अच्छे से जो है इनको भी धो दूँगी। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मैं जो सेल है, ये सेल्स जो है दीवार ये किचन की, इन सबको बढ़िया से जो है झाड़ू से जो है अच्छे से साफ़ कर रही थी, क्योंकि इस तरह की सफाई हम डेली तो कर नहीं सकते ना, इसलिए इसको बीच बीच में करते रहना चाहिए। हर महीने में एक बार तो हो ही जाता है फिलहाल इस तरीके से। और फिर जब मैं फ्रिज साफ़ करती हूँ ना, उस दिन मैं किचन धोती हूँ लेकिन नीचे नीचे धो देती हूँ, पूरा सामान हटा के इस तरीके से साफ़ नहीं कर पाती। फ्रिज तो क्योंकि साफ़ करना ही पड़ता है, स्माइली कुछ ना कुछ गिरा देती है, तो फ्रिज तो साफ बीच बीच में होता ही रहता है। कलसे का पानी भी देखिए खाली कर दिया है, क्योंकि उसको भी धो के मैं मांझ के फिर से भर के रख दूंगी। और यहाँ पे देखिए किचन जो है दूसरी बार भी धोने पड़ेगा, क्योंकि काफ़ी गंदा सा लग रहा था। अभी तो कलसे का पानी ही यूज़ किया है यहाँ पे, फिर दोबारा से एक बार और धोऊंगी, फिर वाइपर से पानी निकाल के और पोछा मारूंगी, फिर सारे बर्तन तो बस देखिए ये हो चुका है मेरा किचन का नीचे का काम। और ये सारे बर्तन जो है मैं ले आई हूँ, और अब इन सबको पोछ पोछ के जो है मैं लगा दूंगी। और उससे पहले मैंने जो ये बर्तन का स्टैंड था इसको भी अच्छे से सूखे कपड़े से साफ कर लिया था। और ये देखिए मैडम स्माइली को वहाँ किचन की सफाई हो रही है, यहाँ इनके कारनामे देखो जरा, सुनो क्या कह रही है। पहले क्या कर रही हो आप? गिलास पानी क्यों लेकर आई थी यहाँ पे? गिराया है बालकनी में, मेरे से मेरा गंदा था, पानी मुझे पानी पीना था, इसलिए मैंने पानी फेंका था। गंदी लड़की हो आप। तो बस देखिए उसके बाद जो है मैंने किचन की सफाई कर ली थी, और उसके बाद नहा धो के खाना वाना खा के और फिर से जो है दोबारा एक साइड की जाली थी ना ये रह गई थी, तो मैंने कहा ये क्यों रह गई भाई, इसको भी अच्छे से धोया साफ कर लिया जाए। देखिए इसमें कितनी गंदगी जमा हो जाती है, ऐसे जालने वाले से लग जाते हैं इस जाली में। तो बस इस फ्लैट को भी जो है अच्छे से साफ कर लिया। वैसे नीचे तो मैं गैस के पास, तो ये मेरा डेली का ही होता है, रात को जब भी मैं गैस धोती हूँ ना खाना बनाने के खाने के बाद, तो ये नीचे तो मैं साफ़ कर लेती हूँ, बट ये जो जाली है ना ये नहीं हो पाती, इसको रोज़ थोड़ी ना हम साफ़ कर सकते हैं, इसमें टाइम भी लगता है। तो बस इसको भी मैंने साफ़ कर लिया, मैंने कहा किचन हुई है पूरी साफ़ तो भाई ये भी कर लिया जाए। तो बस चलिए अब आप लोगों को मैं अपनी पूरी किचन दिखा देती हूँ कि मेरी किचन कैसी लग रही है, आप लोग देखिए। क्योंकि आज हुई है सफाई, तो जिस दिन सफाई होती है ना उस दिन तो वैसी अच्छी लगती है कोई भी चीज़ हो, तो मैंने कहा आज दिखा देती हूँ, वरना किसी और दिन दिखाऊंगी तब तक सारा सामान ही फैल जाएगा, क्योंकि मेरे घर में ज़्यादा दिन तक नहीं रह पाता है अच्छी तरीके से सब कुछ। तो बस ऊपर जो है दाल वाल भर के रख दी थी डब्बों में, डब्बे भी साफ आफ किए थे सारे, ये फिलहाल अभी कुछ दिन पहले ही मंगवाए थे मैंने डब्बे। और ये जो रखा है ना यहाँ पे सामान, बेलन वगैरह, ये सब स्माइली उठा के इधर से उधर करती रहती है। अभी तो रखा है क्योंकि अभी आज साफ हुआ है, और देखना कल परसों में ये सारा जो है सब फैला हुआ दिखेगा, कुछ भी अच्छे से नहीं रख पाते हैं। नीचे जो रहता है वो तो ऑलमोस्ट सब बिगड़ ही जाता है, और यहाँ पे पता नहीं वो क्या क्या करती रहती है, नमक वमक ये सब फैलाती रहती है, उस नमक की डिब्बी रखी ना कॉर्नर पे वो फैला देती है। तो बस मैंने कहा आज दिखा देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूबर्स अपना किचन टूर दिखाते हैं, मैंने कहा चलो भाई मेरी जैसी भी किचन में आप लोगों को जो है दिखा देती हूँ। तो बस ये देखिए नीचे जो है यहाँ पे मेरे डब्बे वगैरह रखे हुए हैं, यहाँ पे जो तेल वगैरह होते हैं, तेल और अचार के डब्बे, चाय पत्ती, नमक, जो बहुत ज़्यादा यूज़ में रहती चीज़ें वो यहाँ पे रखी हैं। और कढ़ाई वगैरह ये सब भी, कुकर ये मैं नीचे रख लेती हूँ यहाँ पे बर्तन, और आटे की टंकी वगैरह भी नीचे है यहाँ पे, कलसा भी रखा है उसको पानी भरना है अभी मुझे फिलहाल। तो यहाँ पे देखिए टोकरी रखी है आलू प्याज लहसुन, और उसके बाद ये चम्मच का स्टैंड रखा है यहाँ पे, इसमें लाइटर भी रख लेती हूँ, और साथ में उसके घी की डब्बी रखी हुई है यहाँ पे। तो बस ऐसे ही सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाए, आज क्योंकि किचन साफ सुथरी लग रही है, अच्छी लग रही है। वैसे तो आप लोग वीडियो में देखते ही रहते हैं, बट आज जो है साफ हुई है तो मैंने कहा आप लोगों को दिखा दिया जाए। उसके बाद ये बोतल वगैरह भी आज अच्छे से धो के मांझ के रख दी है, और उसके बाद क्योंकि अगर मैं आप लोगों के साथ आज ये वीडियो शेयर नहीं करती ना किचन का, तो मैं जब भी करती तो मुझे फिर अपनी किचन फिर मतलब अच्छे से साफ करनी पड़ती, तभी दिखा पाती, क्योंकि इतना गंदा कर देती मेरी लड़की कि मैं आप लोगों को क्या बताऊँ। तो उसके बाद देखिए यहाँ से जो है विंडो भी खोल के दिखा देती हूँ बाहर कैसा लगता है। एक्चुअली ये सामने जो बिल्डिंग है ना वो खाली हो चुकी है, पहले भरी थी तो अच्छा लगता था, अब ये जो है मतलब सारी खाली करवा दी गई है यहाँ से, तो ये सब खाली हो चुका है इधर।
तो चलिए अब मैं आपको इस साइड भी दिखा देती हूँ। ये किचन में हमारे जो है ऊपर ताड़ भी है एक, तो यहाँ पे हमारा जो पुराना सामान है वो रख देते हैं हम, पुराना गैस चूल्हा वगैरह, मिक्सी और फिल्टर वगैरह था जो, वो सब यहाँ पे रख दिया है ऊपर। कुछ पुराने बर्तन भी भरे हुए रखे हैं। उसके बाद ये कवर्ड है यहाँ पे एक, और इसमें सामान रखा हुआ है, राशन वाशन का जो आया था वो सब देखिए कोने पे रखा है स्टील के डब्बों में, बड़े बड़े में दाल चावल जो ज़्यादा रहता है आइटम, चीनी वगैरह वो सब। और ये कांच के बर्तन यहाँ पे मैंने इसलिए रखे हैं क्योंकि स्माइली का डर रहता है, इसलिए मैं इसको यहाँ अंदर कवर्ड में रखती हूँ। और स्माइली की क्रीम पाउडर भी यहाँ पे रखे हैं, आप लोगों को दिख रहा होगा, तो वो लड़की ना बर्बाद कर देती है अपने क्रीम पाउडर वगैरह, इसलिए मुझे यहाँ पे रखने होते हैं, उसको पता नहीं है कि किचन में रखे हुए हैं। फिर नीचे सिलेंडर, आटे की बोरी वगैरह ये रख दिया था, तो आप लोगों ने देखा मेरा किचन टूर। हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आनियाज मॉम वर्ल्ड। यूट्यूब चैनल में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे, सब एकदम मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैंने आप लोगों के साथ जो शेयर किया है, मेरा किचन टूर भी शेयर किया है, और साथ में मैंने आप लोगों के साथ मेरी किचन की सफाई भी शेयर की है। एक्चुअली मैंने लास्ट टाइम दिवाली पे अपने घर की सफाई करी थी, तभी किचन भी साफ करी थी, और उसके बाद से फिर से इतनी गंदी हो गई थी, मतलब हो ही जाता है हर महीने में एक बार तो किचन साफ करनी ही चाहिए वैसे भी। तो बस वैसे मैंने साफ सफाई की, तो मैंने आप लोगों के साथ वो वीडियो शेयर किया है। और क्या होता है ना कि रोज रोज इस तरह की सफाई हम लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि डेली क्या होता है कभी कुछ उठाया, ये रखा वो रखा, तो उसकी वजह से काफी गंदा हो जाता है। थोड़ा सा बाहर की भी धूल मिट्टी घर में आती ही है, कुछ बच्चों की वजह से भी हो जाता है, जैसे कि स्माइली है वो नीचे जो भी सामान होता है ना तो वो बहुत फैलाती है, और कुछ अपने ही वजह से होता है, हम लोग डेली सारी सफाई नहीं कर पाते जिसकी वजह से काफी ज्यादा गंदा हो जाता है। तो बस वही मैंने जो है आज किचन की सफाई करी है, और सुबह जो है मैंने एक साइड का कर दिया था, अभी खाना बनाने के बाद थोड़ा सा और रह गया था तो वो भी मैंने जो है साफ किया, उसके बाद गैस वैस की साइड जो था। और आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा होगा, तो आप लोग जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी किचन कैसी लग रही है अब। और मतलब कुछ वैसा तो कुछ नहीं किया है मैंने, बस खाली सफाई करी, और जब हम सफाई करते हैं ना तो हमारा घर बहुत अच्छा लगता है, बट कुछ दिन बाद फिर वैसे ही हो जाता है वो। कुछ दिन बाद क्या, अगर मैं आप लोगों को आज किचन की वीडियो नहीं शेयर करती तो दो दिन बाद ही थोड़ा बहुत सामान इधर से उधर, उधर से उधर हो ही जाता है, मैं मेरे से भी हो जाता है, और कुछ घर में सबसे ही थोड़ा बहुत कुछ भी उठाया तो वो सामान वहां से उस जगह पे नहीं रखते हैं। स्माइली भी करती है, और स्माइली के पापा भी बहुत इधर उधर सामान कर देते हैं, वो भी अगर किचन में कुछ भी उठाते हैं ना, एक सामान उठाएंगे तो चार फैला देंगे। तो यही होता है सबके घर में, ये प्रॉब्लम होती है कि सफाई करने के बाद दूसरे तीसरे दिन जो है थोड़ा सा हो ही जाता है फर्क। और लास्ट टाइम मैंने दिवाली पे करी थी, उसके बाद से जो है आज करी है, तो बस आप लोगों के साथ वही मैंने शेयर किया है। और आप लोगों को अगर मेरा आज का वीडियो अच्छा लगा हो फ्रेंड्स, तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और साथ में जो बेल आइकन होता है उसको भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आप लोगों के पास मेरी अच्छी अच्छी जो वीडियोज है उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब मैं आप लोगों से मिलूंगी मेरी नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ध्यान रखिए, अपने घर वालों का ध्यान रखिए, और सेफ रहिए कोविड टाइम में। तो चलिए फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर।